देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें इस 15 अगस्त को यादगार बनाने में जुटी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार भी इस मौके पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही दिल्ली सरकार ने प्रदेश में 115 फीट के 500 तिरंगे लगाने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। आज मयूर विहार फेज वन में सीएम केजरीवाल ने 115 फीट ऊंचे 500वें तिरंगे का ध्वजारोहण किया। मयूर विहार फेज वन मेट्रो स्टेशन के पास ये 500वां तिरंगा लगाया गया है। इसके साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों का देश बताया। अभी जब हम इस तिरंगे को ऊपर चढ़ते हुए देख रहे थे, कितना शानदार दृश्य था। भगवान करे हमारा ये तिरंगा हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बुलंदियों पे रहे और ऐसे ही लहराता रहे। और इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अगर हमें अपनी जान भी न्योछावर करनी पड़े तो छोटी बात होगी। एक साल पहले हम लोगों ने प्रण लिया था कि दिल्ली के अंदर इतने तिरंगे लगाएंगे कि अगर कोई दिल्ली वासी अपने घर से बाहर निकलेगा, सब्जी लेने निकलेगा, दूध लेने निकलेगा, दफ्तर के लिए निकलेगा, तो उसको कहीं ना कहीं एक तिरंगा जरूर दिखाई देना चाहिए। और जब तिरंगा दिखाई देता है, अभी क्या शानदार दृश्य नजर आ रहा है चारों तरफ। उधर पुल पे इतने लोग खड़े हैं तिरंगे लेके, उधर सामने पुल के नीचे लोग खड़े हैं तिरंगे लेके, सामने लोग खड़े हैं, क्या शानदार दृश्य। हमारा मकसद था कि लोग जब अपने घर से बाहर निकले, दिन में कम से कम 3 या 4 बार उनको तिरंगे के दर्शन हो जाएं। जब हम तिरंगा देखते हैं तो अंदर दिल में धक धक होती है, देशभक्ति जागती है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जागती है। आदमी कुछ गलत काम कर भी रहा हो तो एक बार हिचक जाता है, यार देश के लिए मेरे को ये नहीं करना चाहिए। इस भावना से हमने शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 500 तिरंगे पूरी दिल्ली में लग के तैयार हो चुके हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बाकायदा देशभक्ति बजट पेश करते हुए देश की आजादी के अमृत महोत्सव के लिए राजधानी में 500 स्थानों पर बड़े बड़े तिरंगे झंडे लगाने का ऐलान किया था। इसके लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया था। इन तिरंगों के रखरखाव और सम्मान के लिए 5 सदस्यीय तिरंगा समिति का गठन भी किया गया है। दिल्ली सरकार ने 500 प्रमुख स्थानों पर 115 फीट ऊंचे तिरंगे लगाने का फैसला लिया था और इस दिशा में झंडे लगाने का काम पूरा हो गया है। दिल्ली सरकार ने मयूर विहार फेज वन में 500वें 115 फीट के तिरंगे का ध्वजारोहण कर इस लक्ष्य को पा लिया है। इस दौरान उन्होंने फ्री योजना का जिक्र किया, साथ ही केंद्र और विपक्ष पर निशाना भी साधा। कह रहे हैं गरीबों को फ्री भी, मेरे को तो ये समझ नहीं आता ये फ्री भी होती क्या है। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री भी, कहते हैं फ्री की रेवड़ी, कहते हैं ये नहीं मिलनी चाहिए। गरीबों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, या तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं और या फिर सरकारी स्कूलों में फीस लगा दी जाए। फिर गरीब बच्चे कहां जाएंगे अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगा दोगे तो? गरीब बच्चे कहां जाएंगे अगर सरकारी स्कूल बंद कर दोगे तो? वैसे ही हमारे देश के अंदर गरीबों के बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिलती। अगर सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए, हमारे देश में 70-80% बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज आजादी के 75 साल के अवसर पे हमें कसम खानी है कि हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो। हम दुनिया में 39 देश, अमीर देश ऐसे हैं 39 जहां पे सारे बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब, सबको फ्री शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है। वो अमीर देश कैसे बने?
वो इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। और हम कह रहे हैं हम अपने बच्चों की शिक्षा बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, पैसे लेंगे बच्चों को पढ़ाने के, ये क्या बात हुई? अब ये बात चल रही है कि सारे सरकारी अस्पताल बंद कर देने चाहिए, दवाइयों के पैसे लेने चाहिए, गरीबों से इलाज के पैसे लेने चाहिए। एक बेचारा गरीब आदमी अगर उसके घर में कोई सीरियस बीमारी हो गई, वो तो इलाज ही नहीं करा पाएगा, प्राइवेट अस्पतालों में कहां घूमेगा वो? तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हर भारतवासी को, इस देश में अगर पैदा हो, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उसके घर के लोगों को इलाज का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, रोजगार का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ये इसको फ्रीबी और फ्री की रेवड़ियां नहीं कहना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने पर इसे बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार के तमाम विभाग, स्थानीय निकाय, तमाम शैक्षणिक स्थानों को इस आजादी के जश्न को बड़े ही धूमधाम से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 15 अगस्त तक दिल्ली को 25 लाख तिरंगे से पाटने की योजना पर काम भी जोरों शोरों से जारी है। इस योजना को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।